we will see chapter number 13th of class 7th science, that is motion and time. Motion क्या होता है, time क्या होता है, ये देखेंगे आज हम इस chapter में. जैसे हमने class 6 में पढ़ा था कि different types of motions होते हैं, किस तरह के motions हमने देखे थे, कुछ straight line motion होते हैं, circular motion होते हैं, जिसे periodic भी कहा जाता है, periodic circular तरह के different motions हमने study किए थे class 6 के अंदर. हमारे यहाँ पर अभी हमें 30.1 में एक table दिया हुआ है. टेबल में कुछ एग्जांपल्स हैं डिफरेंट मोशंस के, किस तरह का मोशन होता है, किस तरह के एग्जांपल्स में, जैसे सोल्जर्स इन अ मार्च पास्ट किस तरह चलते हैं इन अ स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन वाला मोशन यहाँ पर है. बुलक कार्ट मूव कर रही है स्ट्रेट रोड पर, तो ये भी स्ट्रेट लाइन वाला ही मोशन है. हैंड्स ऑफ एन एथलेटिक इन अ रेस, ये अगर देखेंगे तो एथलेटिक्स का किस तरह से हैंड्स होता है, तो सर्कुलर मोशन में होता है. पेडल ऑफ अ बाइसिकल इन मोशन, सर्कुलर होता है. इस तरह से डिफरेंट मोशंस, डिफरेंट एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं. ये बहुत कॉमन एक्सपीरियंस है मोशन का. कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो बहुत ही स्लो मूव करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो फास्ट मूव करते हैं, उनकी मोशन फास्ट होती है. अब हम देखेंगे स्लो और फास्ट क्या होता है. तो जैसे हम जानते हैं कि कोई व्हीकल ऐसे होते हैं जो बहुत ही फास्ट मूव करते हैं एज कम्पेयर टू अदर, कुछ व्हीकल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही फास्ट मूव करते हैं, कुछ स्लो मूव करते हैं डिफरेंट टाइम्स में. अभी कोई गाड़ी है जो स्लो चल रही है, कुछ देर बाद आप देखेंगे उसकी स्पीड बढ़ गई है, इस तरह से. तो आप एक लिस्ट बना सकते हैं ऑब्जेक्ट्स की जो मूव करते हैं स्ट्रेट पाथ में, और देन आप उसमें से डिवाइड कर दीजिए कि कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो स्लो मूव करते हैं, कौन से फास्ट मूव करते हैं, जो तुम्हें डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि मूविंग स्लो और फास्ट किस तरह होती है, मोशन किस तरह से स्लो और फास्ट होते हैं. एक्टिविटी 13.1 में हमें देखना है, फिगर दी हुई है हमें नीचे, इसमें बताया है कि कुछ व्हीकल्स की पोजीशन दी है हमें, दो डायग्राम्स या दो पिक्चर्स दिए हुए हैं, और उस फिगर में हमें कंपेयर करना है कि किस तरह से हमने हमें मूविंग व्हीकल्स बताए हैं, और एक व्हीकल जो है वो हमें सेकेंड वाली डायग्राम में या सेकेंड वाले फिगर में आगे मूव होते दिखाई है, जिसमें ये शो हो रहा है कि वो जो गाड़ी है या वो जो व्हीकल है वो सबसे फास्ट मूव कर रही है, उसकी मोशन सबसे फास्ट है. तो ये हम इस दोनों डायग्राम को या फिगर को देखकर पता कर सकते हैं. डिस्टेंस मूव जो हुआ है ऑब्जेक्ट से गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में, वो हेल्प करता है डिसाइड करने में कि वो फास्टर है या स्लोअर है. जैसे एग्जांपल दिया है हमें कि आप फ्रेंड के साथ में आप बस स्टैंड पर खड़े हैं, और आप देख लीजिए कि आप मतलब बस स्टैंड पे आप खड़े हुए हैं या बस में आप बैठे हुए हैं, और आपका फ्रेंड बाइसिकल पे है, और आपने बाइसिकल उसी समय शुरू की है जब आपकी बस भी मूव करने शुरू हुई है, बिगन हुई है, शुरू हुई है, और देखेंगे कि डिस्टेंस कवर जो किया है आपने ये कितना किया है, किस तरह किया है. जैसे हम यहाँ पे डायग्राम में पहले देखेंगे, हमें ये जो कार दिख रही है जो एकदम मिडिल में है, फर्स्ट वाली डायग्राम में वही कार सेकंड डायग्राम में हमें सबसे आगे मूव होती दिख रही है. इसका मतलब क्या है कि ये जो कार है इसकी जो मोशन है या मूवमेंट है वो सबसे फास्ट है. 5 मिनट्स अब यहाँ पर हमें जो दिया है, पहले हम पढ़ रहे थे वही दिया हुआ है कि आपकी बाइसिकल की जो स्पीड है एज कम्पेयर टू बस कम रहेगी, तो आपकी बाइसिकल पीछे रह जाएगी या स्लो स्पीड वाली रहेगी एज कम्पेयर टू बस. फास्टर व्हीकल जो होते हैं उनकी स्पीड हायर होती है, हम ये कहते हैं. और जैसे 100 मीटर रेस में हम देखा जाए, अगर देखते हैं तो 100 मीटर रेस में इट इज़ इजी टू डिसाइड हुज स्पीड इज हाईएस्ट, किसकी स्पीड ज़्यादा है, ये डिसाइड करना बहुत ही इजी हो जाता है. जो शॉर्टेस्ट टाइम में पूरा 100 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, हम कहते हैं उसकी स्पीड सबसे फास्ट है. 13.2 में हम स्पीड के बारे में पढ़ेंगे. प्रोबेबली हम जानते हैं या फैमिलियर है वर्ड स्पीड से. एग्जांपल अगर हम ऊपर के इसमें देखें तो हाईएस्ट स्पीड अगर है तो ये इंडिकेट करती है कि आपका जो डिस्टेंस है वो आपने बहुत ही शॉर्ट टाइम में कंप्लीट किया है, अगर आपकी स्पीड फास्ट है तो. और अगर आपने लार्जर डिस्टेंस है, या तो उस टाइम में गिवन टाइम में आपने लार्जर डिस्टेंस को कवर किया, इसका मतलब भी आपकी स्पीड बहुत फास्ट है. मोस्ट कन्वीनियंट वे अगर हम देखें कि किस तरह से टू और मोर ऑब्जेक्ट्स की मूविंग फास्ट है या स्लो है, कंपैरिजन अगर देखना है डिस्टेंस कितना मूव किया है उन्होंने, तो एक यूनिट टाइम में, तो ये किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं. तो अगर हमें डिस्टेंस कवर्ड बाय टू बसेस कंपेयर करना है एक आर में, तो बताएगा जो हमें कि कौन सी जो बस है वो स्लो चली या कौन सी फास्ट चली. तो इसके लिए हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस हमें पता है लेकिन ऑब्जेक्ट का हमें स्पीड निकालना बहुत ज़रूरी है. तो उसी को स्पीड कहा जाता है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. तो अब जब हम कहते हैं कि एक कार है जो मूव कर रही है एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब यह है कि वो एक आवर में 50 किलोमीटर चलती है. इसी का मतलब कार सेल्डम की बात कर रहे हैं जो मूव होता है कांस्टेंट स्पीड से. अगर 1 आवर अगर वो चल रही है कार, एक ही स्पीड से चल रही है, तो उसे हम कहेंगे कि भाई 50 किलोमीटर पर आवर चल रही है. जो भी है 1 आवर में वो जितना डिस्टेंस कवर कर रही है, वेदर वो अपने जो स्पीड है उसे चेंज कर रही है और नहीं भी चेंज कर रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, 50 किलोमीटर अगर वो चल रही है पर आवर, तो वही उसका
क्या क्या कह सकते हैं कि स्पीड है उस कार की, टोटल डिस्टेंस इतना कवर किया जाता है 1 आवर में, उसी को हम कंसिडर करते हैं कि वो स्पीड है या उतना एवरेज, जैसे कहते हैं एवरेज नहीं कह सकते सॉरी, हम स्पीड ही कहेंगे कि वो स्पीड है उस कार या बस की। ये चीज को हमें ध्यान नहीं रखना है कि वो जो स्पीड है उसकी वो एक ही कांस्टेंट स्पीड से चली है या चेंज स्पीड से चली है। ये हमें यहाँ दिया हुआ है कि स्पीड जो है, एवरेज स्पीड की बात करें या स्पीड की बात करें, तो उसके लिए फॉर्मूला हमें दिया है कि स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। एक और चीज हमें यहाँ पर नोट करने के लिए दी है कि जिसमें मोशन यूनिफॉर्म होता है, मतलब एक ही तरह का कांस्टेंट स्पीड से अगर चली आ रही है वो चीज़, तो उसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। बट अगर स्पीड में चेंजेस आ रहे हैं तो उसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। अगर हमें किसी गिवन ऑब्जेक्ट की स्पीड को मेजर करना है टाइम के अंदर, तो सर्टेन डिस्टेंस के अंदर, तो हम इस तरह किस तरह से करेंगे, तो ऊपर जैसे हमें फॉर्मूला दिया है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसके थ्रू आप इजिली निकाल सकते हैं उसकी स्पीड को। अब हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ टाइम कैसे होता है। तो जैसे कि हमारे पास अगर क्लॉक नहीं भी है तो हम कैसे डिसाइड करें कि क्या टाइम हुआ होगा। आप बहुत बार ये जानकर चौंक जाते होंगे कि अगर आपने अपने दादा से या कोई एल्डर से पूछा है कि अप्रोक्सीमेट टाइम कितना हुआ होगा, और वो अगर बिना वॉच देखे आपको टाइम बता देते हैं, एक अप्रोक्सीमेट टाइम बता देते हैं, तो हमें बहुत शौक लगता है कि वो किस तरह बताते होंगे। तो वो ये सब चीज़ें किस तरह से मेजर करते हैं। तो जैसे मेजरमेंट होता है टाइम का, एक इंटरवल बताया है, एक मंथ है, एक ईयर है, किस तरह से ये सब डिसाइड की हैं चीज़ें। तो हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो नोटिस करते थे बहुत सारे इवेंट्स को जो रिपीट होता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, एक पीरियड के बाद, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद अगर एक चीज़ रिपीट हो रही है तो उतने टाइम को उन्होंने एक चीज़ का नाम दे दिया है, एक मंथ का या एक ईयर का या एक डे का नाम दे दिया है। जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं, उन्होंने देखा कि सनराइज एवरी डे होता है मॉर्निंग, उसे मॉर्निंग का टाइम दे दिया है, एंड देन जब सनसेट होता है तो उसे हमारा आफ्टरनून या इवनिंग का टाइम दिया हुआ है, और ये चीज़ रिपीट हो रही है इसलिए हर सुबह जो होगी उसे मॉर्निंग कहा जाएगा जब सनराइज होगा। तो ये जो टाइम है 1 सनराइज और नेक्स्ट सनराइज के बीच का, उसे हमने डे कहा गया है। उसी तरह मंथ की बात करें तो मंथ एक न्यू मून से नेक्स्ट न्यू मून तक का जो ड्यूरेशन है उसे 1 मंथ कहा गया है। और 1 ईयर की बात करें तो जितना अर्थ को टाइम लगता है कंप्लीट रिवोल्यूशन करने के लिए सन के अराउंड, उतने टाइम को 1 ईयर कंसिडर किया गया है। इस तरह से मेजर करने के लिए डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम को शॉर्टर देन अ डे के लिए हमने क्लॉक्स का यूज किया है। कि एक दिन तो हमने ये कह दिया है कि सनराइज से अगले सनराइज तक का 1 डे, लेकिन उससे कम टाइम को अगर हमको मेजर करना है तो हम कैसे करेंगे, उसी के लिए क्लॉक्स और वॉचेस को हमने इन्वेंट किया है। ये टाइम मेजरिंग डिवाइसेस हैं। अब ये क्लॉक्स और वॉचेस किस तरह से टाइम को मेजर करती हैं, तो क्लॉक की जो वर्किंग होती है बहुत ही रैदर कॉम्प्लेक्स होती है, बट वो जो मेन उसका यूज जो है पीरियडिक मोशन में होता है, मतलब पीरियडिक मोशन के यूज से ही वो बनाई गई है और वही हमें टाइम शो करती है। वेल नोन पीरियडिक मोशन की बात करें तो सिंपल पेंडुलम सबसे वेल नोन पीरियडिक मोशन का एग्जांपल है यहाँ पर, जैसे वॉल क्लॉक पे हमें पेंडुलम दिया हुआ है, टेबल क्लॉक भी है और यहाँ पर डिजिटल क्लॉक भी है। ये कुछ कॉमन क्लॉक्स के एग्जाम्पल्स हमारे सामने दिए हुए हैं। एक सिंपल पेंडुलम है और यहाँ पर डिफरेंट पोजिशंस दी हैं बॉब की, जो मूव हो रहा है ऑसिलेट हो रहा है सिंपल पेंडुलम के थ्रू या सिंपल पेंडुलम से। सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट होता है एक स्मॉल मेटेलिक बॉल से या फिर एक पीस ऑफ स्टोन लगा होता है, सस्पेंडेड होता है रिजिड स्टैंड से, एक थ्रेड से बंधा होता है वो। जैसे 13.4A में हमें दिया है एक मेटेलिक बॉल है जिसे हम बॉब कहते हैं, वही पेंडुलम होता है, या पेंडुलम कहते हैं जिसे, पेंडुलम का बॉब होता है। 13.4A में पेंडुलम शो किया है जो रेस्ट पोजीशन पे, जिसे मीन पोजीशन कह सकते हैं। और ये जब बॉब है पेंडुलम का, ये जब रिलीज होता है एक स्लाइट मतलब रिलीज करते हैं हम स्लाइटली एक साइड की तरफ, और जब मूव होना शुरू होता है टू एंड फ्रो, तो हमें 13.4 की जो डायग्राम है वो शो होती है, मतलब टू एंड फ्रो की मोशन होती है उस सिंपल पेंडुलम की, जो एग्जांपल है एक पीरियडिक या एक ऑसिलेटरी मोशन का। पेंडुलम को तभी हम कंप्लीट ऑसिलेशन कहते हैं जब हमारा जो बॉब है उसे स्टार्टिंग पॉइंट से मेन पोजिशन के बाद हमने एक तरफ मूव किया है, मेन पोजिशन से मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से ओ पोजिशन से मूव करते हैं एक दूसरी तरफ, मतलब एक साइड में, एंड वहां से वो बी तक जाता है और बैक टू ओ आता है। तो ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट ऑसिलेशन होता है। और ये जब बॉब पूरी तरह मूव करके आता है तो उसको 1 एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन से जब आता है ए से दूसरी पोजीशन तक जाकर बैक टू ए आता है, तो ये जो टाइम होता है पूरा का पूरा उसे 1 ऑसिलेशन का आ जाता है, और इसी को टाइम
पीरियड कहते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्टिविटी 13.2 में हमें एक पेंडुलम को सेट करना है, जैसे 13.4 ए में दिया है, थ्रेड के साथ में या स्ट्रिंग के साथ में, और उसकी लेंथ 1 मीटर होनी चाहिए। स्विच ऑफ कर दीजिए सारे फैंस को आसपास अगर कोई है तो, और अब उस बॉब को, आपको पेंडुलम के बॉब को रेस्ट पोजीशन में लेकर आना है, मेन पोजीशन में। अब उसकी मेन पोजीशन को आपको मार्क कर लेना है फ्लोर के ऊपर, आप या तो कर लीजिए। अब मेजर करना है आपको टाइम पीरियड पेंडुलम का, कि स्टॉपवॉच का यूज़ करके कि कितने टाइम में वो चीज़ रिपीट हो रही है। तो स्टॉपवॉच अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप टेबल क्लॉक या रिस्ट वॉच के थ्रू भी इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। पेंडुलम को इन मोशन सेट करना है, जेंटली होल्ड करना है बॉब को और फिर मूव करना है स्लाइटली टू वन साइड, और मेक श्योर कि आपका जो स्ट्रिंग है अटैच है जो बॉब से वो टॉट ना हो किसी भी तरह से। अगर आप उसको डिस्प्लेस करें तो पता चले वो आपका स्ट्रिंग हिल गया, इस तरह से नहीं होना चाहिए। अब आप उस बॉब को रिलीज कर दीजिए, डिस्प्लेस कर दीजिए पोजीशन से। अब रिमेंबर कीजिए, एक बात को याद रखिएगा कि बॉब जो है वो पुश जब आप कर रहे हैं तो किस मतलब पुश कर रहे हैं तो जब वो रिलीज हो रहा है तो उसको पुश मत कीजिए, बस पकड़ के छोड़ देना है आपको। और ये ध्यान रखिए बॉब जो है उसकी मेन पोजीशन से हटे, उसके बाद में बॉब जो है किसी और चीज़ से ना टकराए वहाँ पर, ये चीज़ को आपको नोट करना है। और टाइम आपको मेजर करना है कि पेंडुलम कितना टाइम लेता है कंप्लीट करने के लिए 20 ऑसिलेशंस को, और अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कर लीजिए। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो होगा जस्ट अ सैम्पल होगा, योर ऑब्जर्वेशन कुड बी डिफरेंट फ्रॉम दिस, और आपके ऑब्जर्वेशन अब इससे अलग आएंगे। अब रिपीट कीजिए इस एक्टिविटी को कुछ समय के लिए एंड अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कीजिए। अब आप डिवाइड कीजिए टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशन से 20 को, तो आपको पता चलेगा कि 1 ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम पीरियड लगा है, और वही आपका पेंडुलम का टाइम होगा। ये जो टाइम पीरियड है आपका, टाइम पीरियड होता है पेंडुलम का, ये क्या सारे केसेस का सेम आता है, या ये साइड चेंज जो आते हैं इनकी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट से वो अफेक्ट करते हैं क्या टाइम पीरियड को पेंडुलम के? इस तरह के बहुत सारे सवाल हमें पता चलेंगे। जैसे क्लॉक्स और वॉचेस हैं उनके अंदर भी इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिक सर्किट लगे होते हैं जो वर्क करते हैं। टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का जैसे 13.2 में टेबल हमें दिया हुआ है, जिसमें हमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बताइए 100 सेंटीमीटर लेनी है, और फिर हमें ऑसिलेट करना है उस पेंडुलम को, और लिखना है टाइम पीरियड कितना लग रहा है उसे उतने ऑसिलेशंस कंप्लीट करने के लिए, 20 ऑसिलेशंस कंप्लीट करने के लिए। क्वार्ट्ज क्लॉक जो आती हैं वो एकदम एक्यूरेट टाइम बताती हैं एज कम्पेयर टू अदर अवेलेबल क्लॉक्स। यूनिट ऑफ टाइम या स्पीड की बात करें तो बेसिक यूनिट टाइम का सेकेंड होता है और सिम्बॉल होता है एस उसका। लार्जर यूनिट टाइम का अगर देखें तो मिनट होता है, और उससे बड़ा यूनिट अगर हम देखना चाहें तो वो आवर होगा। जैसे हम जानते हैं कि ये यूनिट्स जो हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अब बेसिक यूनिट स्पीड का देखें तो स्पीड जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, इसलिए बेसिक यूनिट जो हम यूज़ करते हैं वो डिस्टेंस के लिए मीटर और टाइम के लिए सेकेंड, मतलब मीटर पर सेकेंड यूज़ करते हैं हम फॉर स्पीड। और ये एक्सप्रेस किया जाता है और भी यूनिट्स में, जैसे मीटर पर मिनट भी कर सकते हैं, किलोमीटर पर आर भी आप लिख सकते हैं स्पीड के यूनिट को। आप जैसे जानते हैं कि जो सिंबल होते हैं सारे यूनिट के, ये सिंगुलर फॉर्म में लिखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल वी राइट 50 किलोमीटर, नॉट 50 किलोमीटर्स, मतलब हमें किलोमीटर्स प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखना है, हर चीज़ को जितने भी यूनिट है उन्हें हमें सिंगल फॉर्म में लिखना है, सिंगुलर फॉर्म में लिखना है। अगर आप इमेजिन करेंगे, आप कैलकुलेट करना चाहेंगे कि 1 डे में कितने सेकंड्स होते हैं तो क्या आपके लिए इजी है? वो एक बार इजी हो सकता है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि कितने आवर्स या कितने सेकंड्स ईयर में होते हैं तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ होगी ये। तो इसीलिए हर चीज़ के मेजरमेंट के लिए डिफरेंट यूनिट्स बनाए हैं या डिफरेंट मेजरमेंट्स बनाए हुए हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नीड कि किस तरह की ज़रूरत है हमें उस हिसाब से। जैसे कन्वीनियंट है अगर एक्सप्रेस करना है हमारी एज को तो हम डेज या आवर्स में ना करके ईयर्स में करते हैं, क्योंकि ईयर्स काफ़ी बड़ा यूनिट है और हमारी एज जो है वो बड़े यूनिट के थ्रू ही हम शो कर सकते हैं इसलिए। जैसे कि अब हम अगर सेकेंड की बात करें तो 1 सेकेंड एक बहुत छोटा सा टाइम होता है, बहुत ही कम टाइम होता है। अगर आपको अलाउड कहने के लिए कहें या ज़ोर से कहने के लिए कहें कि आप कोई भी नंबर कहिए जैसे 2001, तो आपको नियर अबाउट 1 सेकेंड लगेगा इस चीज़ को कहने के लिए। आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक बार ट्राई कर सकते हैं। अगर पल्स रेट देखें हम नॉर्मल हेल्दी पर्सन का, एडल्ट पर्सन का, तो 72 टाइम्स होता है इन अ मिनट, और ये अबाउट 12 टाइम्स होता है इन 10 सेकेंड्स। तो ये जो रेट होता है वो स्लाइटली हायर होता है चिल्ड्रंस के अंदर।
बहुत सी बार मेजरिंग डिवाइसेस जो हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में यूज़ किए जाते हैं. जैसे पेंडुलम क्लॉक की बात करें तो ये बहुत ही पॉपुलर डिवाइस यूज़ है होता है. सन डायल्स जो हैं, वाटर क्लॉक्स जो हैं, सैंड क्लॉक्स जो हैं, ये सब एग्जाम्पल्स हैं कुछ इस तरह के डिवाइसेस के. डिफरेंट डिज़ाइंस जो हैं इस तरह के डिवाइसेस की डेवलप की गई हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में. अब मेजरिंग स्पीड की बात करें तो जैसे हम जानते हैं कि टाइम और डिस्टेंस की हेल्प से ही हम स्पीड निकाल सकते हैं. एक्टिविटी 13.3 में हमें यही करना है कि हमें एक स्ट्रेट लाइन बनाना है ग्राउंड के ऊपर चॉक पाउडर से या लाइन से. और आपके किसी फ्रेंड को आप कह दीजिए कि वो लाइन के एक तरफ खड़ जाए एंड 1 or 2 meter अवे खड़ जाना है उसे, या लाइन के एक तरफ खड़े रहना है. अब आप उसे एक बॉल हाथ में दे दीजिए एंड उसे कहिए कि आप इस बॉल को रोल करना है अलॉन्ग द ग्राउंड और डायरेक्शन परपेंडिकुलर लाइन. वो जो लाइन आपने खींची है जस्ट उसके परपेंडिकुलर आपको वो बॉल को फेंकना है या रोल ऑन करना है ऑन द ग्राउंड. तो बॉल जैसे ही क्रॉस करेगी उस लाइन को तो, और वो टाइम आपको मेजर करना है कि कितने टाइम में उसने क्रॉस किया है उस लाइन को और उसके बाद में वो रेस्ट पोजिशन पर आने के लिए कितना वक्त लगा है. ये चीज़ों को आपको मेजर करना है जो उसकी स्पीड आपको कैलकुलेट करने में हेल्प कर सकती है. यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें दी हैं, जैसे संडाल दिया है जंतर मंतर दिल्ली का, उसके बाद सैंड क्लॉक है जो पुराने ज़माने में यूज़ की जाती थी, वाटर क्लॉक है, ये सारी चीज़ें पुराने ज़माने में टाइम मेजरमेंट के लिए यूज़ की जाती थी. और यहाँ पर हमें ये डायग्राम दी है हमारे पहले वाले एक्सपेरिमेंट की, जैसे आपने बॉल को मूव किया वहाँ से ग्राउंड पे तो लाइन तक आने में कितना टाइम लगा और वहाँ से स्टेबल होने में कितना वक्त लगा, ये हमें इसमें ऑब्जर्वेशन में लिखना है. अब आप डिस्टेंस मेजर कर लीजिए उस पॉइंट का जहाँ से बॉल क्रॉस हुई थी लाइन को और पॉइंट का जहाँ पर वो रेस्ट पर आई है. अब आप इसके इसको स्केल के थ्रू मेजर कर लीजिए या टेप के थ्रू मेजर कर लीजिए और उसके बाद में इस तरह से एक्टिविटी को आप रिपीट कर सकते हैं और ये मेजरमेंट्स को आप रिकॉर्ड कर लीजिए. इस तरह से आप स्पीड निकाल सकते हैं बॉल की. आप इसी तरह से कंपेयर अगर करेंगे कि स्पीड ऑफ वॉकिंग या साइकिलिंग की, तो किस तरह से आप स्पीड निकाल सकते हैं कि वॉकिंग की स्पीड ज़्यादा होगी या साइकिलिंग की स्पीड ज़्यादा होगी, तो इसके लिए आपको डिस्टेंस पता होना बहुत ज़रूरी है और टाइम पता होना बहुत ज़रूरी है कि इतने डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना वक्त लगा है. इट विल गिव यू द स्पीड ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम्पल और दैट पर्टिकुलर थिंग. और इस तरह से हम स्पीड को भी फाइंड कर सकते हैं, फास्टेस्ट स्पीड, स्लोएस्ट स्पीड, ये सारी चीज़ें हमें इस चीज़ से पता चल सकती हैं. यहाँ पर हमें एक टेबल दिया हुआ है जिसमें हमें एक मूविंग बॉल का, ये जो हमने ऊपर किया था वो एक्सपेरिमेंट करना है. नंबर ऑफ ग्रुप्स ले लीजिए, नेम ऑफ ग्रुप ले लीजिए यहाँ पर, और डिस्टेंस मूव बाय द बॉल, कितने दूर की डिस्टेंस से आपने बॉल को मूव किया, उसे टाइम टेकन वहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा और उसमें आपने स्पीड कैसे निकाला, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम से आपने स्पीड क्या निकली है, ये आपको अलग अलग ऑब्जर्वेशन के थ्रू पता करना है. रॉकेट्स या लॉन्चिंग सैटेलाइट्स की बात करें अर्थ के ऑर्बिट पे, तो ये स्पीड जो होती है इनकी 8 km/s की स्पीड से ये चलते हैं. और उसके अपोजिट में अगर हम टॉर्टोइज की बात करें तो टॉर्टोइज जो है वो 8 cm/s की स्पीड से चलता है. तो आप क्या इमेजिन कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि रॉकेट की और टॉर्टोइज की स्पीड किस तरह से होती है, बिल्कुल अपोजिट होती है. अगर एक बार आपको स्पीड पता चल जाए ऑब्जेक्ट की तो आप इजीली डिस्टेंस निकाल सकते हैं, या डिस्टेंस और स्पीड या टाइम जो भी आप निकालना चाहें. अगर आपको ये दो चीज़ें कोई भी पता है तो आप इजीली थर्ड थिंग्स को निकाल सकते हैं. जैसे हमें यहाँ पे एक और टेबल दिया हुआ है, फास्टेस्ट स्पीड ऑफ एनिमल, यहाँ पे कुछ एनिमल्स की फास्टेस्ट स्पीड हमें दी हुई है, फाल्कन की, चीता की, ब्लू फिश की, ये स्पीड इन किलोमीटर पर आवर दी हुई है और स्पीड इन मीटर पर सेकंड हमें निकालनी है. तो किलोमीटर पर आवर थी उसे हमने मीटर पर सेकंड में निकालनी थी, इसलिए हमने इसमें मल्टीप्लाई बाय 1000/60 किया हुआ है. और बाकी वही प्रोसेस है 320/ यहाँ पे जैसे आवर था तो आवर को हमने सेकंड में कन्वर्ट किया, इसलिए 60 × 60, नीचे 2 बार 60 हमने लिया है, और किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना था इसलिए 1000 किया है, 320 हमने वहीं पे पुट किया है. इस तरह से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं तो आपको पता चलेगी डिफरेंट एनिमल्स की स्पीड किस तरह से है. आप जैसे जानते हैं, हम जानते हैं कि गाड़ियों के या स्कूटर जो होते हैं, टू व्हीलर स्कूटर्स जो होते थे, मोटरसाइकिल्स जो होती हैं उनके ऊपर भी एक क्लस्टर जिसे हम कहते हैं वो बना होता है मोटरसाइकिल के ऊपर, या एक मीटर फीट किया होता है जो मीटर हमें शो करता है, डैशबोर्ड होते हैं कार्स के या बसेस के या कोई अदर व्हीकल्स के, उसके ऊपर भी बना होता है ये मीटर फिट किया होता है जो शो करता है हमें स्पीड, कितनी स्पीड है ये हमें शो करता है. वो एक वन कॉर्नर में रिटन होता है या लिखा होता है और इसे हम स्पीडोमीटर कहते हैं, जो हमें स्पीड शो कर रहा है.
जैसे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में हमें कार का भी क्लस्टर दिया हुआ है, मीटर दिया हुआ है, और ये हमें मोटरसाइकिल का, स्कूटर का दिया हुआ डैशबोर्ड। स्पीड जो है वो डायरेक्टली इन किलोमीटर पर आवर हमें बता देता है वो, और अदर मीटर भी होता है मेजर करने के लिए, जो डिस्टेंस को मेजर करता है, व्हीकल्स ने कितना डिस्टेंस मूव किया है उसे हम ओडोमीटर कहते हैं। और जब आप स्कूल के पिकनिक या कहीं अगर जा रहे हैं तो आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपने स्टार्टिंग पॉइंट में आप मेजर कर लीजिए कि कितना डिस्टेंस है, और उसके बाद एंड पॉइंट पे आप फिर से अपनी जर्नी के उसे देख सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है एंड टाइम कितना लगा है, वो सारी चीज़ें आपको उसमें पता चल जाएंगी। अगर आपने पहले से हर चीज़ का रिकॉर्ड रखा है, अगर आप जर्नी कर रहे हैं और रिकॉर्ड रखा है, तो आप इजीली कितने बजे या किस समय पे आप किस लोकेशन पे होंगे ये आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि इस चार्ट में हमें दिया हुआ है, इस टेबल में हमें दिया हुआ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। पहले तो हम ये देखेंगे कि टाइम है, अगर आप 8 बजे कहीं से निकले हैं और आपका ओडियोमीटर रीडिंग बता रहा है 36540, और डिस्टेंस है स्टार्टिंग पॉइंट का अभी 0 किलोमीटर, यहाँ से आपने शुरुआत की है 8:30 बजे, आपका ये जो है 20 किलोमीटर आगे का बता रहा है, मतलब 20 किलोमीटर आप रन कर चुके हैं, मतलब वो आपका डिस्टेंस बताएगा स्टार्टिंग पॉइंट से 20 किलोमीटर, और इस तरह से ये मूव हो रहा है। तो 10 बजे आप अकॉर्डिंग टू 20 किलोमीटर पर हाफ आवर आप 36620 किलोमीटर पहुंच गए हैं, और वो भी 80 किलोमीटर स्टार्टिंग पॉइंट से आप चले गए हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ पता चल रही है कि ये जो आपका जो टाइम है वो आपके डिस्टेंस से सिमिलर है, कह सकते हैं कि वो दोनों के दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि जितना टाइम बढ़ते जा रहा है आपका डिस्टेंस भी बढ़ते जा रहा है उतना सेम प्रपोर्शन में। जैसे हम न्यूज़पेपर या मैगजीन्स देखते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन होती है ग्राफ्स की, किस तरह से ग्राफ्स बनाए जाते हैं, यहाँ पर हमें एक बार ग्राफ दिया हुआ है जो रन्स को स्कोर किया हुआ किसी टीम ने वो बताया है हमें, जिसमें हमने हमारे वर्टिकल लाइन में ओवर लिए हैं और हॉरिजेंटल में हमने वर्टिकल में हमने रन्स लिए हैं और हॉरिजेंटल में हमने ओवर्स लिए हुए हैं, कि 1 ओवर में आपने 1 रन बनाया, उसके बाद 2 ओवर में आपने 5 रन बनाए हैं, इस तरह से बार ग्राफ शो कर रहा है इस चीज को। एक अनदर टाइप ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होता है जो पाई चार्ट के थ्रू हम करते हैं। पाई चार्ट जो है एक सर्कुलर डायग्राम के थ्रू शो किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे पाई चार्ट दिया है हमें कंपोजिशन ऑफ एयर्स का, जिसमें नाइट्रोजन गैस जो है हमें मोस्टली जो हमारा सर्कल है वो उससे फिल हुआ है, वल ऑक्सीजन जो है थोड़ा सा एक एरिया ऑक्सीजन गैस का होता है, और बाकी बहुत ही स्लाइटली लिटिल एरिया जो होता है वो अदर गैसेस के लिए होता है। इस तरह से एक और है, हमें लाइन ग्राफ भी है शो करने के लिए जो चेंज बता रहा है वेट का, मैन की एज के हिसाब से उसका वेट किस तरह चेंज होता है, ये हमें इस ग्राफ में दिया हुआ है, जिसमें एज दी हुई है, अगर वो 2 ईयर्स का था तो उसका वेट 10 kg था, 4 में भी 10 ही था, 6 में थोड़ा बड़ा 15-16 हुआ, इस तरह से ये ग्राफ हमें शो कर रहा है। अब आपको एक शीट लेनी है, ग्राफ पेपर लेना है, ग्राफ पेपर की शीट लेनी है और 2 लाइंस परपेंडिकुलर बनानी है एक दूसरे से, जैसे कि हमें फिगर में शो किया हुआ है 13.11 में, जिससे हमें हॉरिजेंटल लाइन को एक्स ओ एक्स मतलब एक्स एक्सिस कहना है, वाइल हमें वर्टिकल एक्सिस को वाई ओ वाई मतलब वाई एक्सिस कहना है, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उन दोनों लाइंस का उसे हम ओरिजिन ओ कहेंगे। ये जो 2 क्वांटिटीज हैं दोनों ग्राफ की, ये शो करना है 2 एक्सिस के ऊपर, और ये पॉजिटिव वैल्यू जो है एक्स एक्सिस पे अलोंग ओ एक्स बताना है, वाइल पॉजिटिव वैल्यू वाई एक्सिस पे हमें ओ वाई बताना है। और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि पॉजिटिव वैल्यूज होती है जो क्वांटिटी की, वही हमें कंसिडर करनी है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इस डायग्राम में हमें इस तरह से बनाया है, हमने 2 एक्सिस बनाई है, और इसीलिए हम सिर्फ शेडेड पोर्शन को यूज करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें दोनों पॉजिटिव साइंस लेनी है, पॉजिटिव ही नंबर्स लेने हैं, तो ये जो शेडेड एरिया है उतना ही एरिया हमें यूज करना है अपने मेजरमेंट के लिए। अब मोशन ऑफ अ कार हमें दी है कि अगर 0 टाइम है, 0 डिस्टेंस है, 1 मिनट में कार 1 किलोमीटर चली, 2 मिनट में 2 किलोमीटर चली, इसका मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है डिस्टेंस भी उतना ही कवर करते जा रही है कार। तो आप इसके हिसाब से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं कि 2 परपेंडिकुलर लाइन्स बना लीजिए एक दूसरे को, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की तरह ओ एक्स और ओ वाई बना लीजिए जिस एरिया में हमें इस ग्राफ को बनाना है। अब आप क्वांटिटी डिसाइड कर लीजिए कि आपको एक्स एक्सिस पे क्या लेना है और वाई एक्सिस पे क्या लेना है, या तो डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे ले लीजिए, टाइम वाई एक्सिस पे ले लीजिए, इस तरह से आपको चूज करना है।
अब आप स्केल को रिप्रेजेंट करने के लिए ले लीजिए कि कितना डिस्टेंस है और किस तरह शो करेंगे कि 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 मिनट, इस तरह से किस तरह का आप मेजरमेंट लेंगे ये आपको डिसाइड करना है। जैसे यहाँ दिया है टाइम 1 मिनट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, डिस्टेंस 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। वैल्यू को मार्क कर दीजिए टाइम के ऊपर और डिस्टेंस की, दोनों की वैल्यूज को वहाँ लिख दीजिए रिस्पेक्टिव एक्सिस के ऊपर। अब आप मोशन ऑफ द कार को मार्क कीजिए टाइम 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट के हिसाब से, और उसी हिसाब से डिस्टेंस को भी आपको लिखना है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर वाई एक्सिस पे। अब आपको ये पॉइंट्स को मार्क करना है एंड देन आपको उसे रिकॉर्ड करना है जैसे 13.6 में हमें दिया हुआ है। 0 मिनट था तो डिस्टेंस मूव नहीं हुआ। उसके बाद जैसे पॉइंट आगे बढ़ते जाएंगे आपको डिस्टेंस को भी आगे बढ़ाते जाना है। इस तरह से हमें पॉइंट्स को ग्राफ करते जाना है पूरे ग्राफ पेपर के ऊपर, और उसके बाद हम इजीली अपना ग्राफ इस तरह से बना सकते हैं या हमारा ग्राफ इस तरह से बन जाएगा। हमने यहाँ पर जैसे लिया है कि 1 सेंटीमीटर या 1 किलोमीटर, 1 मिनट इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो इसी तरह से टाइम लिया है। दूसरा ग्राफ हमने वापस डिस्टेंस और टाइम का लिया है, यहाँ पर इस तरह से हम ग्राफ बना सकते हैं। सारे पॉइंट्स को हमें एंड में जोड़ना है जो आपको एक स्ट्रेट लाइन देगा। अगर आपका डिस्टेंस और टाइम का जो मोशन है वो आपको बता देगा, कार का मोशन बता देगा अगर आपकी यूनिट्स सही हैं तो। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन में आता है, ये इंडिकेट करता है ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को जो कॉन्स्टेंट स्पीड में चल रही है। अगर जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की वो अगर चेंज होते रहेगी तो ग्राफ जो है वो आपका स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगा या डिफरेंट लाइन डिफरेंट शेप में आएगा, स्ट्रेट लाइन में शो नहीं करेगा। यहाँ पर हमें एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है एक बस का, जिसमें उन्होंने 8:30 बजे जो हमने ऊपर ग्राफ देखा था उसके हिसाब से यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर 8 o'clock को निकली है तो वहाँ पर 0 था उसका डिस्टेंस, जब ए पॉइंट पर आई तो 10 किलोमीटर हुआ, उसके बाद जैसे जैसे मूव होने लगी तो डिस्टेंस भी बढ़ने लगा है। जनरली जो चॉइस होती है स्केल की वो इतनी सिंपल नहीं होती, क्योंकि हमें एक चीज़ को याद रखना है कि जो हमारी स्केल है वो दोनों डिफरेंट स्केल्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, एक्स और वाई एक्सिस को, तो जो डिजायर्ड क्वांटिटीज़ हैं एक्स और वाई एक्सिस पे वो पूरी तरह से सेटिस्फाई होना चाहिए। जैसे कि अगर प्रोसेस आपने एग्जाम्पल हम लेते हैं कि अगर मोशन ऑफ बस ले रहे हैं तो अगर डिस्टेंस कवर जो कर रही है वो बस, जैसे कि 13.5 में हमें दिया हुआ था टेबल में कि टोटल डिस्टेंस बस ने 80 किलोमीटर कवर किया है, तो अगर हमने चूज की स्केल 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर तो हमें 80 सेंटीमीटर तक की लेंथ लेनी पड़ेगी जो पॉसिबल नहीं होती। तो हमें ये लेना पड़ेगा कि हमें अपने स्केल को चेंज करना होगा, 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो इट वुड बी पॉसिबल फॉर अस टू ड्रॉ द 80 किलोमीटर स्केल, मतलब 80 सेंटीमीटर नहीं बनाने के बदले हमें सिर्फ 8 सेंटीमीटर तक भी हम बनाएंगे तो ये इनफ हो जाएगी और ये स्केल हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाएगी। और इस तरह से ये इजीली हमारे ग्राफ पेपर पे ड्रॉ भी हो जाएगी। कुछ पॉइंट्स जो होते हैं आपको माइंड में रखना है इन चीज़ों को, जब आप कोई भी स्केल को चूज कर रहे हैं ग्राफ के ऊपर तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। आपको एक चीज़ और रखनी है कि जो डिफरेंस होता है हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू में वैल्यू की क्वांटिटी का, उसको आपको ध्यान रखना है। इंटरमीडिएट वैल्यू जो होती है ईच क्वांटिटी की, उससे आपको ध्यान रखना है, कन्वीनियंट लेनी है आपको ताकि आप इजीली मार्क कर सकें उनकी वैल्यूज़ को ग्राफ के ऊपर। आपको अगर मैक्सिमम पार्ट को यूटिलाइज करना है पेपर के ऊपर तो आपको स्केल को इस तरह से बनाना है या उस तरह से ही लेना है कि ईजिली आपके ग्राफ पेपर पर वो आप मैक्सिमम पार्ट जो है मैक्सिमम नंबर जो है उसको ड्रॉ कर पाएँ। अगर आपके पास ग्राफ पेपर है 25 सेंटीमीटर × 25 सेंटीमीटर का, तो आपको जो स्केल है उसकी इस तरह से लेनी होगी कि वो इजीली इस ग्राफ के ऊपर ना जाए। जैसे कि डिस्टेंस अगर आप 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लेते हैं या 6 मिनट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर का टाइम लेते हैं तो भी ये सफिशियंट हो जाएगा। तो आपको इस तरह से डिस्टेंस टाइम ग्राफ को बनाना है, अलग अलग तरीके से आप बना सकते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है आपको वैरायटी ऑफ इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट द मोशन। जब आप उसे कंपेयर करते हैं जो डाटा प्रेजेंट किया गया है टेबल में उससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिलेगी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि हमने ऊपर मूविंग बस का एग्जाम्पल लिया था तो बस का इंस्टेंट ऑफ टाइम भी हम फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि डिस्टेंस कितना डिस्टेंस बस ने कवर किया है 8:15 तक, मतलब 8:15 तक कितना डिस्टेंस कवर किया या उसके आगे कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप इजीली डिस्टेंस टाइम ग्राफ से इसे निकाल सकते हैं।
जैसे कि पॉइंट ए जो है वहां से आपने शुरू किया है और आपको ड्रॉ करना है एक परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस तक जो पैरेलल होगी वाई एक्सिस को और पॉइंट ए के साथ में. जब आप मार्क करेंगे पॉइंट को टी ऑन द ग्राफ विच इज द परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्ट, वो इंटरसेक्ट करेगी, परपेंडिकुलरली लाइन जो होगी वो इंटरसेक्ट करेगी और फिर आपको ड्रॉ करनी है एक लाइन उस पॉइंट से जो पैरेलल होगी टी पॉइंट से पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ये जो इंटरसेक्शन होगा वाई एक्सिस का एट पॉइंट बी. तो इस तरह से ये आपको शो करेगा कि किस तरह से बस का जो टाइम है वो किस पॉइंट पे किस तरह का टाइम रहा है या कितना डिस्टेंस कवर किया है. तो इस तरह से आप टाइम डिस्टेंस ग्राफ से हर चीज़ निकाल सकते हैं कि किस वक्त पे बस ने कितना डिस्टेंस कवर किया या कब वहाँ से वो मूव हुई है. टाइम डिस्टेंस ग्राफ से हम स्पीड ऑफ द बस भी निकाल सकते हैं. इस तरह से इस चैप्टर में हमने ये सारे पॉइंट्स को कवर किया है फ्रेंड्स. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें. थैंक यू सो मच.